हेलो श्रवण वराट, कैसे हो आप? हाउ आर यू? अच्छा हो सर। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर परसेंटेज। आपने अपने बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट स्कोर किया, जरा सभी लोगों को बता देना जो देख रहे हैं। मैंने 96.60% बोर्ड एग्जाम में स्कोर ये किया। तो ऑलमोस्ट 97% हो गया, राइट? ऑलमोस्ट हाँ, 97, 96.60। और हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में स्कोर किया आपने? हाईएस्ट सोशल साइंस। सोशल साइंस में हाईएस्ट स्कोर किया। सोशल साइंस में आपका स्कोर कितना है? 98, राइट? और हाँ उसके बाद मैथमेटिक्स में है, राइट? मैं आपका मार्कशीट मैंने ओपन किया है, मैथमेटिक्स में आपका 97 है, हाँ राइट? सर, अच्छा, मुझे आप ये यस। बताओ कि आपको जो परसेंटेज मिले हैं, ठीक है, क्या आप उससे खुश हो? हाँ सर, बहुत खुश हूँ। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मिला, या फिर जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही मिला, या कम मिला, क्या हुआ? जितना एक्सपेक्ट किया था ना, उससे 1% ज्यादा मिला। इससे 1% ज्यादा मिला। अच्छा हाँ श्रवण, कैसे होता है ना कि 95-96% जो बच्चे स्कोर करते हैं, मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वो बच्चे, मतलब ज्यादातर, मतलब मान लो कि अगर 100 बच्चों को मिला है तो 60% से तक बच्चे जो होता है वो पहले से ही स्मार्ट होते हैं, थोड़े से पढ़ाई में सीरियस होते हैं, टॉपर वाले कैटेगरी में आते हैं, राइट? और बाकी 40% ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अचानक से मेहनत करते हैं साल भर और बढ़िया कर जाते हैं, राइट? तो आप किस कैटेगरी में हो आप? मतलब 9th में भी आपका स्कोर बहुत बढ़िया था, या फिर ऐसा अचानक से 10th में कुछ जादू हुआ? नहीं सर, 9th में भी मैं हमारे इस क्लास में फर्स्ट था। ओके, तुम अपने स्कूल वाले क्लास में फर्स्ट थे। हाँ और श्रवण, तुम कहां से हो? पुणे से हो ना, आई थिंक सो, नहीं सर, मैं अहमदनगर से हूँ। अहमदनगर। हाँ, तुम अहमदनगर से हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी तुम्हारा स्कूल में तुम्हारा रैंक क्या है? फर्स्ट फर्स्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। अच्छा श्रवण, अब तुम पहले से ही थे, 9th में तुमने कहाँ पढ़ाई की थी? हमारे स्कूल में नहीं, ओके, ट्यूशन व्यूशन कहीं कुछ नहीं लगाया था? ट्यूशन कुछ नहीं था। और 10th में तुमने इजी लर्निंग ज्वाइन किया? तुम्हें हाँ 10th में, मतलब मतलब 10th शुरू होने के 1-2 महीने पहले ही। 1-2 महीने पहले, मतलब जो हम लेते हैं कि 9th में स्टार्टिंग में एडमिशन ले लो, उस टाइम में तुमने ज्वाइन किया था कि 2 महीने 9th फ्री में पढ़ो फिर 10th में एडमिशन लिया, तो उस वाले टाइप में तुमने एडमिशन लिया था। 2 महीने 9th फ्री पढ़ो और 10th में एडमिशन लो, ऐसा। अच्छा, मतलब बिफोर गोइंग टू एनी अदर क्वेश्चन, मेरे को ना 2-3 क्वेश्चन है जो मेरे को पूछना है। क्या इजी लर्निंग या फिर ऑनलाइन से पढ़ाई हो जाती है अच्छे से? बिल्कुल हो जाती है सर, हो जाती है। और हो क्या जाती तुम्हें, मतलब जो डिसीजन तुमने लिया था कि हाँ मुझे इजी लर्निंग के साथ कंटिन्यू करना है, उस पर तुम्हें प्राउड फील हो रहा है कि हाँ सही डिसीजन लिया था, या फिर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार 1-2% ज्यादा आते कहीं और जाता तो? है। नहीं सर, वो मेरे एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा ही आए। हाँ यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ दैट, बहुत सर, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि तुमने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी 10th में। हाँ मैं रेगुलर पढ़ ही रहा था। अच्छा, दिन में एवरेज कितना पढ़ते थे तुम? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे एवरेज मतलब करते थे ना? मतलब ऐसा, हाँ जो लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि हाँ मैं दिन में 8-8 घंटे पढ़ता था, 10-10 घंटे पढ़ता था, प्रैक्टिकली पॉसिबल है श्रवण वो? नहीं, नहीं पॉसिबल है ना। सही है। अच्छा, नहीं। तुम्हारा जो सिलेबस है, जैसे तुमको, तुम तो आरंभ बैच में थे, तो हम आरंभ बैच में कैसे करते हैं कि सिलेबस को एक बार कंप्लीट करके दोबारा रिविजन कराते हैं, राइट? हाँ और ये जब मैं किसी को बोलता हूँ कि हम सिलेबस को 2 बार अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो लोग मानते ही नहीं है, बट तुमने तो खुद एक्सपीरियंस किया है, तो तुम्हारा सिलेबस कब तक हो गया था? मेरा सिलेबस नवंबर तक हो गया था सर। नवंबर तक कवर हो गया था, उसके बाद रिविजन जो हमने कराया उसमें भी तुमने पूरा वो किया। अच्छा, एक हो बात बताओ, अगर हम जल्दी सिलेबस कवर कर लेते हैं तो उससे फायदा होता है कि नहीं होता है? होता है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, दोबारा जब, मतलब क्या होता है कि एक, ये स्टूडेंट्स के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बच्चे अक्सर रिवीजन को इग्नोर करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, राइट? कंटाला आता है, तुम्हें भी कंटाला आता था रिवीजन करने में? सच इतना नहीं बता था दो। पर कर लेता था, दिन के दो दो चैप्टर कर लेता था लेकिन रिवीजन। कंटाला आता था ना करने को, ऐसा मतलब ऐसा लगता था प्रोक्रेस्टिनेट करूं। हाँ वही वही पढ़ना से। हाँ, लेकिन फिर भी तुम करते थे, इसीलिए तुम्हारे परसेंटेज अच्छे आए, मानते हो? हाँ तो तुम खुद को हाँ ऐसे सर, क्या बोल करके मोटिवेट करते थे, क्या सोच करके मोटिवेट करते थे कि नहीं मुझे तो करना पड़ेगा यार, रिवीजन तो करना पड़ेगा, क्या सोचते थे? ऐसा कुछ सोचता नहीं था सर, पर मुझे लगता था कि फिर हम पीछे पड़ जाएंगे और दूसरे स्टूडेंट आगे रह जाएंगे, इसलिए मैं कर लेता था। नहीं, बिल्कुल सही सोच है तुम्हारी, ऐसा ही होता है जब हम नहीं करते हैं ना, तो क्या रहता है कि अपन धीरे धीरे पीछे होते चले जाते हैं और बाकी बच्चे आगे चले जाते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, सिलेबस एक बार आपका कंप्लीट हो गया, जैसा आपने बोला कि आपका नवंबर में सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद आपने क्या हाँ किया?
जब मैंने रिवीजन की जो मुझे टफ लगता था, जैसे कि मेट्रोलॉजी टफ लगता था मुझे, कार्बन कंपाउंड टफ लगता था, तो उसके मैंने आपके यूट्यूब के लेक्चर देखे और वही रिकॉर्डेड लेक्चर देख के उसे कंसेप्ट की क्लियर कर ली। और जो बच्चे कुछ है उसे मैं एक बार रिवीजन करता था और टाइम लगा के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करता था। हेलो सुपर लर्नर्स, अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके लिए PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर का इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य इंपॉर्टेंट है। हे लर्नर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे सॉल्व फॉर्मेट में और कई सारे अच्छे सैंपल पेपर जिससे हमारे बहुत सारे लर्नर्स ने स्टडी की और बहुत अच्छा स्कोर किया, आपको मिलेगा ओसवाल के इस बुक में जिसका नाम है गुरुकुल SSC लास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स। इस बुक के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से आता है। आप इसको अमेजोन से भी जाकर के परचेस कर सकते हो, ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओसवाल के वेबसाइट से भी कर सकते हो और उससे भी कमाल की बात, आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर में भी जाकर के पता कर सकते हो, शायद आपको और डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप ऑनलाइन लेते हो ओसवाल की वेबसाइट से तो SJ10 ये कूपन कोड लगाने से आपको 10% डिस्काउंट तो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय द वे, सबसे खास क्या बनाता है इस बुक को कि सबसे पहले इस बुक में आपको सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग मिल जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है पिंक कलर वाला, ये आपका बेसिकली सेमी का है, सेमी इंग्लिश उस पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो लुक इनसाइड करके आपको एक PDF भी मिल जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस PDF को जा करके आप देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट है, किस टाइप के सॉल्व पेपर्स है, किस टाइप के सैम्पल पेपर्स है, उनके आंसर्स है कैसे है, आप गो थ्रू कर सकते हो बिफोर एक्चुअली बाइंग दिस बुक। कमाल है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। सेम गोज फॉर अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आप इंग्लिश मीडियम वाले इस बुक को चेकआउट कर सकते हो, इनके वेबसाइट पे जा करके ओसवाल वाले लुक इनसाइड करोगे तो आपको एक PDF दिख जाएगा सैंपल। इस PDF को देख करके आप गो थ्रू कर सकते हो कि भाई किस तरीके का ये है और उसके बाद आप अपना फाइनली अपना फैसला ले सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी है, उनके आंसर भी, एक सैंपल कॉपी है ये, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करिए। और अगर आप परचेस कर रहे हैं तो कूपन कोड SJ10 जरूर यूज करिए, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर योर PYQ सॉल्व एंड सैंपल पेपर एक ही बुक में। हैप्पी लर्निंग, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, अभी अपन दूसरे पार्ट पे आते हैं। प्रिपरेशन वाला पार्ट तो अपना हो गया, मतलब ठीक है कितने घंटे पढ़ते थे, ठीक है वगैरह वगैरह। सैंपल अभी मेरे को बताओ सैंपल पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस होता तुमने कितने किए होंगे टोटल? है। मैंने 30-40 तो कर लिए होंगे सभी तीस मिलके। चालीस हाँ सैंपल पेपर किए हैं। सर, अच्छा, उसमें से जब हम अपने बैच में पढ़ते थे तो क्या हर संडे टेस्ट होता था? हाँ सर, होता था उन जब टेस्ट के बारे कोई। में हाँ हुए ना सर, और क्या बोल रहे थे आप, टेस्ट का क्या बोल रहे थे? मतलब ऐसे कभी कभी चैप्टर रह गया तो अगले संडे हो जाता था। हाँ, तो अपन पढ़ लेते थे, राइट? तो अपन पढ़ के हाँ वो टेस्ट देते हैं तो अपना इवेल्युएशन हो जाता है कि अपने को आता है कि नहीं आता है। कई बार हाँ ऐसा होता है ना सुरभित कि अपने को लगता है कि अपने को आता है, लेकिन जब अपन टेस्ट देते हैं तो अपने को पता चलता है तारे जमीन पे आ गए हैं, राइट? तो वो बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने ऑलमोस्ट 30-40 सैंपल पेपर किया तो ये कम नंबर नहीं है, वैसे 30-40 बहुत होता है टोटल भी अगर अपन करने गए तो। तो आपने मेरे हिसाब से नवंबर में स्टार्ट कर दिया होगा सैंपल पेपर जब मैंने बोला था, तो हाँ सर, आपको नहीं लगता कि अगर आपने और लेट करते अगर आप तो इतने सैंपल पेपर कभी नहीं हो पाता, परसेंटेज घट जाता, राइट? हाँ परसेंटेज घट जाते सर। बिल्कुल सही बात है, ये तो होता ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, हम जब प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो वैसे शेवन यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं इस साल इंटरव्यू कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे क्या लगता है कि तीन स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब तीन लोग इंपॉर्टेंट हैं। एक तो स्टूडेंट खुद ही, राइट, दूसरा यस सर, पेरेंट्स, ठीक है, सपोर्ट होना चाहिए पेरेंट्स का, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है टीचर। अब मुझे आप मुझे बताओ कि स्टूडेंट तो आप मेहनत किए तभी आपका रिजल्ट आया, आपने पेपर में लिखा तब भी आपका रिजल्ट आया, आपके पेरेंट्स का क्या रोल था? आपके पेरेंट्स भी ये देखेंगे तो उनको भी पता चलना चाहिए। कई बार हम लड़के जो होते हैं ना स्पेशली वो बता नहीं पाते जा करके, राइट? तो क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रोल था, क्या बताना चाहोगे तुम? मेरे पेरेंट्स ने सर मतलब आप पे विश्वास रखा कि ऑनलाइन हो जाएगा। उन्होंने पूछा तक भी नहीं कि होता है या नहीं, मतलब उनका पूरा विश्वास था आपके कि आप कर ही दोगे। और जब हमारे टेस्ट होते थे तब वो कोई भी मेरे बीच में मतलब ऐसे कैमरे का या ऐसे कोई आसपास भी आता नहीं था। मतलब पूरा तुम्हें वो देते थे कि हाँ भाई अकेले लिबर्टी फ्रीडम के साथ बैठ करके अपना टेस्ट लिखो, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था घर में। मतलब हाँ होता है ना डिस्टर्ब कई नहीं। बार बच्चा टेस्ट दे रहा उधर टीवी चालू है, डोरेमोन डोरेमोन, तो वो सब चीजें नहीं हाँ होती थी, राइट?
राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या आपके पेरेंट्स ने कभी ऐसा प्रेशराइज किया कि बेटा तेरे को 96% लाना करके? नहीं ऐसा तो नहीं किया, पर मेरी बहन से वो बोले थे बहन से ज्यादा ही लेके आ, मतलब 90%। नहीं, वो तो बोलते हैं यार, वो तो किसी का, मेरी भी छोटी बहन थी तो मेरे घर में उसको बोला जाता था कि भैया से ज्यादा परसेंटेज लेके आना है, दादा से ज्यादा परसेंटेज लेके आना है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो होता ही है। अच्छा श्रवण, हेलो श्रवण, श्रवण अटक रहा है, मतलब नेटवर्क अटक रहा है श्रवण। हाँ ओके तो श्रवण, अभी दो चार क्वेश्चन और मैं तुमसे पूछूंगा फिर, जो मतलब मैं चाहता हूँ कि ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, मैंने प्रिपेयर किया है कि इससे क्या होगा ना कि बच्चों को प्रॉपर मैसेज जाएगा। अभी मेरा ठीक दूसरा है। क्वेश्चन ये है कि तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज्यादा बेटर क्या है? देखो ऑफलाइन तुम पढ़ ही रहते कहीं ना कभी, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, फिर तुमने ऑनलाइन भी पढ़ा, इतना इंपॉर्टेंट साल तुम्हारा 10वीं का था तब तुमने ऑनलाइन पढ़ा, तो तुम्हें क्या लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बेटर कौन सा है और क्यों है? सर मुझे तो ऑनलाइन ही बेटर लगता है, क्यों अच्छा क्यों? उसके एडवांटेजेस है सर भाई। हम अगर कुछ है, कुछ हमारे यहाँ त्योहार है, कुछ फंक्शंस है, तो हमारा क्लास मिस हो जाता है, पर वो हम ऑफलाइन में नहीं कवर कर सकते, वो हम ऑनलाइन में कवर कर सकते हैं। मेक सेंस राइट, एब्सोल्युटली राइट, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। या इसका जो भी ऑफलाइन वाले हैं, मैं उन लोगों को अगर कोई देख रहा है इसको, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा हाइब्रिड करने के लिए, कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका फायदा हो। हाइब्रिड में आप ऐसे कर सकते हो कि रिकॉर्ड किया करो क्लासेस को, राइट, कि कभी कोई बच्चा जो आपके पास ऑफलाइन ट्रस्ट करके आ रहा है उसको रिकॉर्डिंग आप दे सको एटलीस्ट, तो ये अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दो क्वेश्चन है मेरे, दो नहीं तीन है। पहला ये है कि अब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन का एक डिसएडवांटेज भी है, वैसे फोन की एडिक्शन हो जाती है, फोन लैपटॉप की, तो आपको ऐसा कुछ हाँ हुआ था? नहीं सर, नहीं, तो कैसे मतलब कैसे डिसिप्लिन रहते थे आप? डिसिप्लिन मतलब मेरे मम्मी का फोन था, मम्मी जब क्लास शुरू होता था तब भी देती थी। गॉट इट। अच्छा लोग कहते हैं कि टॉपर का मंत्र बता दो, टॉपर का सीक्रेट बता दो, तो आप एक टॉपर हो तो आप मुझे बताओ कि टॉपर का क्या कोई मंत्र होता है, अगर होता है तो क्या होता है और क्या सीक्रेट होते हैं टॉपर के? 3 टिप्स फॉर बीइंग सीक्रेट टॉपर, ऐसे क्या होते हैं ये सब चीजें? सर ऐसे तो कोई टिप नहीं है, पर जब एक स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ाई करता है तो उसे भी अच्छे मार्क आ ही जाते हैं। सेंस, ऐसे ट्रिक ऐसा कोई अलग से सीक्रेट नहीं है, श्रवण कहना चाहता है कि अगर तुम कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर तो अच्छे आ ही जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। और सर यूट्यूब पे ऐसे बताते हैं कि मोटिवेशनल। यार ऑनलाइन आप क्या बोल रहे थे, हाँ और क्या बताते हैं? यूट्यूब पे बताते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सुबह का पढ़ाई याद में रहती है, पर मैं अभी 10वीं में पहली बार भी सर मैं सुबह कभी नहीं उठा था, कभी नहीं उठे, अच्छा नहीं कभी भी नहीं। रात को ही जो पढ़ाई करनी थी कर लेता था, फिर सुबह 8-9 बजे। इनफैक्ट मैं तुम लोगों को एक कमाल की बात बताना चाहूंगा। आज जब मैंने श्रवण को कॉल किया तो श्रवण 10 बजे सोया हुआ था, राइट, और मैं खुद भी 9:30 बजे उठा था कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम इतने बजे उठ के पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, उतने बजे उठ के पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, पढ़ना इंपॉर्टेंट है भाई, अगर तुम ढंग से पढ़ लोगे ना तो सब हो जाएगा। ठीक है श्रवण, मेरी आवाज आ रही है? तुम फिर से पूछ दो। ओके चलो, इधर भी श्रवण, इधर भी श्रवण, जादू हो गया। चलो श्रवण, तो वो तो हो गया, मंत्रा वगैरह कुछ नहीं होता, अपने हिसाब से करना चाहिए। अभी अगला क्वेश्चन मेरा ये है श्रवण कि टॉपर्स के डेली रूटीन कैसे होते हैं? आप अपना रूटीन बताओ कि आपका डेली रूटीन कैसा था, मतलब वो चेंज होते रहता है विद टाइम, बट एक लंबे समय तक आपने क्या रखा था वो बता दो मुझे, क्या क्या होता था? सर मैं सुबह 8 बजे तो वेकअप था मेरा, ठीक है, 9 बजे अपनी जो पढ़ाई है, होमवर्क है, अगले मतलब उस दिन स्कूल में क्या होने वाला है उसका रिवीजन कर लेता था। हाँ फिर 10 बजे स्कूल जाने की तैयारी थी, हमारा स्कूल 10:30 बजे शुरू होता था, 10:30 से 4 बजे तक था, और उसमें जो क्लास होते थे उसकी पढ़ाई वो रहता ही थे। फिर 4 बजे आने के बाद एक 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 घंटे के लिए फ्री रहता था,
पांच पांच से फिर फ्रेश होके जो हमारी क्लास की जो दी हुई होमवर्क है वो कर लेता था। फिर 6 बजे हमारा सेमी का क्लास होता था कभी कभी, मतलब हमारा सोशल साइंस का, वो ज्वाइन करता था। वो एक 1.5 आवर चलता था। उसके बाद जो क्लास है उसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई, नहीं तो रिवीजन ऐसा कर लेता था, नहीं तो स्कूल की पढ़ाई जो उस वक्त में कर ही देता था मैं। फिर हमारा साइंस का या मैथ का क्लास था आखिरी में 9 बजे। वो करने के बाद फिर जो स्कूल की पढ़ाई है वो 11-12 तक कर लेता था और फिर सो जाता था। वही चीजें रिपीट होती थी। हम्म, अच्छा श्रवण, ये जो अपने क्लास होते थे 7:45 या फिर 9 बजे या आरंभ बैच में होते थे, उसको तुम पूरा अटेंड करते थे? हाँ सर, फिर कर लेता था सर। और डाउट्स वगैरह होता था तो तुम कॉल करते थे टीचर को? टीचर हाँ सर, कॉल नहीं तो फिर को व्हाट्सएप कर लेता था। तो टीचर बताते थे। हाँ सर, एंड मुझे भी ये लगता है कि ऑनलाइन में एक हमी है ऑलमोस्ट, जो पर्सनल जो टीचर पढ़ा रहा है उसका पर्सनल नंबर देते हैं और कभी भी कॉल करने की फैसिलिटी दे रखी है कि हाँ सर, राइट, बाकी कहीं नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि कभी भी कॉल करो। टीचर का नंबर भी नहीं देते हैं, बोलते प्राइवेसी मैटर, उनको लगता है कि टीचर अपना ट्यूशन क्लास खोल के बैठ जाएगा। बट एनीवे, अच्छा अभी एक लास्ट को रखते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो, आप कुछ ऐसा आपके तरफ से ऐसा है जो आप बोलना चाहते हो आपके जूनियर्स को? ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता। सिर्फ टेंथ के स्टार्टिंग से ही पढ़ाई शुरू करो, फिर जो लास्ट में वक्त रहता है उसमें कुछ समझता भी नहीं क्या हो रहा है, क्या करो, रिवीजन करो या पेपर सॉल्व करो, ऐसा हो जाता है। इसलिए पहले नवंबर दिसंबर तक हमारा सब सिलेबस हो जाना चाहिए, और दिसंबर से हमने जो पेपर है सॉल्व करते वो शुरू करने चाहिए। तभी हमें वो भी टाइमिंग लगा के करने चाहिए सर, वो तभी हमें कॉन्फिडेंस आता है, राइट, एब्सोल्युटली वरना नहीं सही आता। बात है, सही बात है। एनीथिंग एल्स जो आपको लगता है कि आप बताना चाहते हो अपने जूनियर्स को? नहीं सर, कैन डू यू रिकमेंड कि आरंभ 3.0 को ज्वाइन करना चाहिए, आरंभ सीरीज के बैचेस ज्वाइन करने चाहिए? हेल्पफुल हाँ करने चाहिए सर, रहेगा? हाँ हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू श्रवण, थैंक यू सो मच। एंड श्रवण हमारा बच्चा जो हमारे पास आरंभ बैच में था एंड स्टार्टिंग से इसने पढ़ाई की, ही सेज की कंसिस्टेंटली पढ़ो, पेपर को टाइम लगा के सॉल्व करो। इनफैक्ट हमने तो बच्चे जो टेस्ट लिया था उसमें ये भी बोला था कि बोर्ड का पेपर यूज करो, 11 बजे ही हम टेस्ट लेते थे राइट, संडे संडे। तो ये हाँ सारी सर, चीजें मैं ना बहुत ध्यान रखता हूँ, अगर आप इजी लर्निंग पे ज्वाइन करते हो कोई बैच तो मैं बहुत छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ और वही छोटी बातें एंड में बहुत फायदेमंद रहती है। तो हो सकता है आप ज्वाइन करो तो चीजें आपके हिसाब से ना हो, बट जो सही चीज है वो होगा। ठीक है, सो थैंक यू श्रवण, दिस वाज श्रवण एंड माय सेल्फ शुभम। बाकी अगर कोई हमारा बैच ज्वाइन करना चाहता है इजी लर्निंग पे तो यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन अ नंबर जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 8527529111। एंड थैंक यू श्रवण, थैंक यू सो मच बच्चे।